आज की पत्रकार वार्ता के लिए विशेष रूप से दिल्ली से पधारे पार्टी के प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे कांग्रेस परिवार के मुखिया प्रवक्तागण, पत्रकारगण, भाई और बहन, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें वो पूरे प्रदेश में देशव्यापी आंदोलन और देशव्यापी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये से या कहें उनकी मर्जी से देश भर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और जिस तरह से ड्रग्स और अफगानिस्तान के में जो तालिबान रेजिम है, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन हैं और जिस तरह से अफगानिस्तान के जरिए हजारों करोड़ की मादक पदार्थ इस देश में लाए जा रहे हैं और हमारी सरकारी एजेंसी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी बेहद चिंतित है। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, सबने इस विषय पर वहाँ से आवाज़ उठाई है और इसके बाद सारे जितने भी हमारे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता सबको पूरे देश में भेजा जा रहा है तो जाके इस विषय को उठाए ताकि जन जन में ये बात फैले, जागरूकता पैदा हो और हर राज्य को इस विषैले जो ये नशे का कारोबार है उससे बचाया जा सके। आपको पता है कि दो जगह दो कोर्ट्स पे गुजरात में भी जो है ये पकड़ी गई जिसमें एक 21,000 करोड़ का मादक पदार्थ था और दूसरा 1,75,000 करोड़ का। इसी तरह देश के अन्य एयरपोर्ट पर लगातार जो है ड्रग्स बरामद हो रही हैं और ये कैसे अचानक इतनी ड्रग्स आ रहे हैं, कहीं से इनके बारे में ना केंद्र सरकार कुछ बोल रही है ना रोक रही है, ना कुछ कस्टम कर रही है, ना DRI कुछ कर रही है, ना एक्साइज डिपार्टमेंट कर रहा, जितनी गवर्नमेंट एजेंसी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे और ये जो है अगर लाखों करोड़ का मादक पदार्थ इस तरह से अगर देश में फैलेगा और कौन इसको ला रहा, क्या कर रहा, क्यों ये फैलाया जा रहा, ये पैसा कहाँ जा रहा, अगर ये सब चीज़ों पे सरकार सख्त नहीं होगी तो आप जान सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा। ये उसी तरह हो जाएगा जैसे कोलंबिया है जहाँ ड्रग्स के माफिया रहते हैं, उस तरह से ड्रग्स के माफिया यहाँ पे पैदा हो रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा। तालिबान जैसे लोगों के हाथ में अगर पैसा जा रहा तो आप सोच लीजिए कि वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो कश्मीर में इस्तेमाल होगा, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो देखिए वो पूरे दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। इसलिए एक बेहद गंभीर विषय जिसको रखने हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आपको जैसे कि पता है कि दो खेप तो सबको पता है, जो खेप वो आई वो आसी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान की मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलकम पाउडर के नाम से आयात की थी। इसकी कीमत 1,75,000 करोड़। इसके पहले सेमी टेलकम पाउडर की उसके फर्जी ब्रांडिंग से मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड अफगानिस्तान द्वारा ईरान के माध्यम से भारत भेजी गई 3,000 किलो हीरोइन और वो जो है जिसमें जो आसी ट्रेडिंग कंपनी के जो मालिक गिरफ्तार किए गए वो एक सुधाकर मच्छावरम थे और श्रीमती गोविंद राजू वैशाली, इनको 4 लाख का भुगतान इम्पोर्ट व हैंडलिंग एजेंट के तौर पे किया गया। अब ये अगर 4 लाख का भुगतान हुआ 21,000 करोड़ में तो ये तो बिल्कुल जो है छोटी मछली है, इनका कोई मतलब नहीं, इनको तो खाली जो है ये अपराध में शामिल है। इसका मतलब पैसा तो कहीं और जा रहा है क्योंकि 21,000 करोड़ का और 1,75,000 के दो कंसाइनमेंट लगातार जो है हर जगह पे इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तमाम जगह जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है या पोर्ट है कि इस तरह की ड्रग्स लगातार आ रही है और इसके जरिए जो है इस देश की युवा को, इस देश की जनता को नशीले पदार्थों का एक तरह से एडिक्शन करने की योजना पूरी तरह से। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चीज़ पे भी बयान देते हैं, जरा सी चीज़ हो मोर पे भी बयान देंगे, सब पे देंगे, फोटो भेजेंगे, लेकिन इस पर ना प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया न किसी और मंत्री का इस पर कोई रिस्पॉन्स आया। ये बेहद गंभीर मामला है और इस पर हम जो है प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगते हैं कि ये इतनी हीरोइन ड्रग्स जो आई है कहाँ गई, इसका उन्होंने कोई इसको जो है ट्रेस करने की कोशिश की कि कहाँ पे गई, किन लोगों के पास ये गई है। दूसरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो DRI ED CBI IB के सोए पड़े
या फिर उनको जो है और कोई काम नहीं है, दूसरे काम में लगे, इस काम को नहीं देख रहे, कुछ नहीं था। तो वो बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के तो सब पीछे पड़े हुए थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक एक के जो है रोज अखबारों में खबरें आती थी और बाद में कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी खेप आई और इसके बाद लगातार खेप आ रही है और इस पर कोई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई काम नहीं कर रहा, तो एक सोचने की बात है कि आपको सिर्फ जो है बॉलीवुड में तो ये सब उस समय तो बहुत सक्रिय थे, अब क्या हुआ जब इतनी खेप आई है। ये देश के सीधे साधे युवाओं को नशे में धकेलने का एक षड्यंत्र है, मेरा ऐसा मानना है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि तत्काल जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज से इसकी जांच करवाने का काम करें और इसको देशव्यापी जो है पूरा अभियान चला के इस तरह के ड्रग्स माफिया को पकड़ा जाए और इसे रोका जाए, वरना हम यही मानेंगे कि केंद्र सरकार के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। ये बात हम आपके सामने रखने के लिए आ जाए थे, जिसके उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अब आप लोगों को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यही तो मैं प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ, यही मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूँ, भारत सरकार से पूछ रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार का काम कि सारी एजेंसी जो इसको कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम चुप बैठी हुई है इस पर, तो ये कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, हजारों करोड़, कौन इसके बेनिफिशरी है और ये पूरे देश में कहाँ कहाँ फैलाया जा रहा है, किस जगह ये सारा ड्रग्स जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चीज़ है। इसलिए जो है इस पर भारत सरकार सीधे पूछ रहे हैं और जुडिशियल कमीशन की मांग कर रहे हैं न्यायिका। देखिए हम बिना किसी सबूत के आधार पर नहीं बोल सकते, लेकिन हम उसी की जांच की मांग कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, इतना ड्रग्स और इतना ये नशे का कारोबार और हीरोइन इतनी आ रही है, और ऐसे तो आ नहीं सकती जो है, अगर जो है ये आ रही है यहाँ पे तो कोई अधिकारियों का संरक्षण है क्या, कोई माफिया क्या जो उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए अब हम सीधे सीधे ऐसे केंद्र के किसी आरोप नहीं लगा रहे। मैं तो कह रहा हूँ जाँच करो इसकी और पता चले, इसको ढकने और छुपाने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास जब तक उसका प्रमाण नहीं, मैं किसी कारपोरेट पर कोई आरोप नहीं लगा, मेरा आरोप सीधा सीधा केंद्र सरकार और गवर्नमेंट एजेंसीज पे जिनका ये काम है, जिनको ये पता लगा है, और जब वो अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी निष्क्रिय है तो जुडिशियल कमीशन बने सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम, और वो जो है पता लगाए कि सब कहाँ पे जा रहा हो, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा राजनीति की मुद्दा नहीं उठाती, कई बार जो है हमें सामाजिक मुद्दे उठाने पड़ते हैं। इसमें किसी में इस तरह का आरोप नहीं लगाने हैं कि अमुक व्यक्ति कर रहा है या प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फला मंत्री कर रहा है, हम इसको एक सामाजिक मुद्दा है जो इतना गंभीर है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, इसलिए उसको भी हम उठा रहे हैं। उसी कनेक्शन को पता लगाने की मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में वो मुंबई वगैरह में पकड़े गए थे वो हैं, वो छोटे मोटे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट हैं, हजारों किलो के कंसाइनमेंट, 1,75,00,000 की एक खेप, 21,000 करोड़ की एक खेप, उससे मुंबई में थोड़ा खपत हो जाएगी, पूरे देश में उसके लिए जो है जाल बिछाया होगा, और पैसा कहाँ जा रहा, क्या टेररिज्म के लिए फंडिंग जा रही है, आतंकवाद को कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए कहाँ पे, अगर अफगानिस्तान के अलावा तालिबान अगर इसके बेनिफिशरी होंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला। गुजरात में पहली बार पकड़ा है, नहीं देखिए हम गुजरात चुनाव से इसको नहीं जोड़ना चाहते, मैंने आपको पहले कहा कि हम राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं आए, हम तो कहते हैं पता लगाओ ना, हम जो भी बात कहेंगे जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, हम कभी जो है किसी पे ऐसे ही आरोप लगा के नहीं निकल जाएंगे कि हम उसको ऐसे कहते हैं हल्के आरोप से और चले जाए। मैं तो कह रहा हूँ बहुत रहस्यमय बात है, बहुत गुप्त ढंग से हो रहा, सरकार इसका पता लगाए चुप क्यों है। देखिए
देखिए अगर वो पकड़ा गया है तो एक दो किस्सा हुआ ना, बाकी फिर क्या हुआ उस पर एक्शन, क्या कार्रवाई, और ये और कहां कहां जगह, वही तो पता लगाओ ना। इस पे कोई बयान आपने सुना केंद्र सरकार की तरफ से? छोटी छोटी चीज पे तो आप देखिए भाई और बहनों होता है सुबह से शाम तक, इस पे कोई नहीं कोई बोल रहा, चुप्पी क्यों? देखिए अलग चीज है, हमारा काम है मांग करना और उसके लिए आंदोलन चलाना, जागरूकता फैलाना, आप लोगों के माध्यम से अगर बात जाए तो दबाव तो बनते हैं, और खासतौर से हम नागरिक भी सजग होंगे कि भाई ऐसा चल रहा, अपने बच्चे को अपने युवा को लोग रोकने की कोशिश करेंगे, ये एक सामाजिक विषय जैसे मैं आपके सामने रखूंगा। नहीं लगातार उठाएंगे, संसद में भी उठाए जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा और गंभीर मामला है, इसलिए हम आपके पास इतनी दूर आए हैं, पूरे देश में लोग जा रहे हैं इस बात को कहने के लिए, तो उसका कोई ना कोई मकसद तो है, क्या अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया इसका जनता के? नहीं नहीं अभी कोर्ट की कोई बात नहीं, तो उनको जरूर क्या करते हैं। कौन सा पेगासस जासूसी कांड पे अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, कोई कमेटी बना रहे हैं, पिछली बार पार्लियामेंट में पेगासस पे हम लोगों ने सारी चीज उठाई थी, और इसके बाद जो है सरकार ने जो है संसद नहीं चलने दी, इस पर कोई जो है विपक्ष की मांग को माना नहीं, आगे संसद सत्र जब शुरू होगा तो फिर उतने जोर शोर से उठाया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या बनती होगी देख लेंगे, डाइवर्ट होने कोई बनती होती है, जो लगातार सरकार के खिलाफ इनके खिलाफ मुद्दे आ रहे हैं जिसमें सरकार को जवाब नहीं दे पा रही, और इसकी आदत है कि जब किसी चीज के जवाब न दे पाओ तो चुप हो जाओ। ये तो एक कंसाइनमेंट पकड़ा, उस पर आगे क्या कार्रवाई, आगे कहां गया पता नहीं, इतने दिन हो गए पकड़े पता चला आपको कहां गया, कंप्यूटर पकड़ो क्या, 4 लाख रुपए जिसके पास गए थे एजेंट है, माफिया कौन है इसके पीछे, ग्रुप कौन है, वो क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी क्या कर रही थी, ये असली बात है। और थैंक यू।